दोस्तों, ये एक्सेल सीरीज में हम देखेंगे बेसिक एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, वो कैसे उसका पर्टिकुलर हम यूज़ करेंगे हमारे डेली रूटीन लाइफ में, राइट? जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, पर्टिकुलर फॉर्म में, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मे बी MNC में आप काम कर रहे हो, राइट? बट आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंस जो एक्सेल में होता है, राइट, वो अगर आपको यूज़ करने नहीं आता हो तो दिक्कत है। ठीक है, ये बेसिक सा टेम्पलेट है दोस्तों मेरे पास, मैंने पहले ही ऐड कर रखा है। ठीक है, डेट मैंने ऐड करी है इस तरह से कुछ, ठीक है, एंड देन इसे Ctrl+1 प्रेस करने के बाद इसे मैंने कस्टम में जाने के बाद DD एंड देन MM करके फॉर्मेट दे के इस तरह से ऐड किया हुआ है। ठीक है, सेम गोज विथ दिस थिंग। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्मेटिंग जो दी थी, मैं इसे फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे ऐड कर लेता हूँ, राइट। ऐड करने के बाद इसे मैं जस्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात। अभी आते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस पे। दोस्तों, मुझे यहाँ पे फंक्शन ऐड करना है, पहले मैं फंक्शन ऐड करता हूँ। आप कोई भी एक फंक्शन उठा लो, मुझे इफ फंक्शन करना है तो मैं इफ फंक्शन ले रहा हूँ, जस्ट ऑन अ डेमो पर्पस कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड देन मिक्स रेफरेंस हम कैसे यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे जो देना है, दिस इज इक्वल टू दिस कॉमा, ठीक है, कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर 22 मार्च जो है वो 22 मार्च से इक्वल हो, सेम हो, तो मुझे शो करे 1, अदरवाइज मुझे शो करे 0, राइट। यहाँ पे मैंने क्लोज करा। ठीक है, मुझे सेम हर एक जगह पे रेप्लिकेट करना है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, राइट। नो, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ड्रैग करूँगा, राइट, एंड देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। उप्स दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 1, राइट, एंड देन 1 1 1 यहाँ पे भी आ रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, उसके वजह से हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आते समझ लेते हैं पहले इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ चाहिए तो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाके फॉर्मूला सेक्शन ऑन कर देता हूँ ताकि आप फॉर्मूला देख सको। ठीक है, यहाँ पे B3 C3 1 एंड 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B3, दिस इज दी बी एज एन माई कॉलम, एंड देन C अगेन दिस इज माई कॉलम 2, C2 एज एन दिस इज दी 2, ये जो रो है ये रो 2 दिखा रहा है, एंड 3 इज दिस इज अ रो, ठीक है, B2 में। तो हमें इसे ही लॉक करना है। अब हम इसे लॉक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन विच इज कॉल्ड डॉलर। ठीक है, शो फॉर्मूला मैं ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ C2 जो है रो, जो रो है ऊपर के कॉलम की वो मुझे लॉक करनी है, तो मैंने डॉलर कॉलम वहाँ पे ऐड करा, एंड देन यहाँ पे मुझे ऐड करना है, लॉक करना है, सॉरी, कॉलम। ठीक है, तो मैंने ये इसे लॉक कर दिया। ठीक है, जैसे मैं हो जाएगा लॉक करने के बाद जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा, देन अगेन इसे लेफ्ट में ड्रैग कर रहा हूँ, एंड देन नीचे बॉटम में ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों, चेंजेस देख रहे हो आप, जहाँ जहाँ पे 22 एडेड है वहीं पे वो पर्टिकुलर 1 दिखाएगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूँ, 29 कर दूँ, तो यहाँ से 0 हट जाएगा। ठीक है, एंड देन 29 जो है, 29 इज इक्वल टू 29, तो ये ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा। ठीक है, सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस चैनल।